में दो तरह के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स। ए बेटरी, चल निकल इधर से, चल। लेकिन जिंदगी हर लूजर को एक मौका जरूर देती। तुझे मालूम नहीं कि तूने किसका नुकसान किया? तो मेरा नाम बता देना उसे। आप मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, मैं आपकी ड्यूटी नहीं कर रहा हूं। रंग की बात नहीं है, क्या रिवील हुआ शाहरुख खान की समझ नहीं एजी वाली फिल्म का टाइटल? आखिर किन एक्ट्रेसेस के साथ नजर आएंगे शाहरुख? क्या होने वाला है शाहरुख का डबल रोल? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जुआल। दोस्तों, शाहरुख खान अपनी एटली फिल्म के अनाउंसमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार है। हाल ही में उन्हें एक डबिंग स्टूडियो के बाहर देखा गया था। माना जा रहा है कि शाहरुख खान की इस एटली फिल्म का अनाउंसमेंट जून के पहले ही हफ्ते में हो जाएगा। लेकिन अब इस फिल्म का अनाउंसमेंट की डिटेल भी सामने आ चुकी है। रिपोर्ट्स की माने तो इसकी अनाउंसमेंट एक मिनट के टीजर के साथ की जाएगी। फिल्म का नाम है जवान। इस फिल्म में शाहरुख खान डबल रोल में दिखेंगे। पहला रोल होगा बेटे का, जो कि गैंगस्टर होगा। इसी किरदार के लिए शाहरुख खान ने प्रोस्थेटिक मेकअप का इस्तेमाल किया है। वहीं दूसरा रोल होगा पिता का, जो कि एक रॉ ऑफिसर है। वहीं दोस्तों, इस फिल्म को ठीक एक साल बाद यानी कि 2023 में रिलीज किया जाएगा। पहले इस फिल्म का नाम लायन था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि फिल्म का नाम है जवान। आपको बता दें, शाहरुख खान के साथ इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार नयनतारा नजर आने वाली है और ये उनका बॉलीवुड डेब्यू है। शाहरुख खान इस समय राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी की शूटिंग में बिजी है। हाल ही में शाहरुख खान को स्पॉट किया गया था डबिंग स्टूडियो में, जहां से उनका लुक भी वायरल हुआ। इससे पहले शाहरुख खान प्रियमणि के साथ फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के गाने 1, 2, 3, 4 में दिखाई दिए हैं। प्रियमणि ने हाल ही में अमेजन प्राइम की वेब सीरीज द फैमिली मैन से लोगों का खूब दिल जीता, लेकिन इसमें उनका सपोर्टिंग रोल था। लेकिन ये सपोर्टिंग रोल मेन रोल से भी कई ज़्यादा था। आपको बता दें, जल्द ही फिल्म रिलीज होगी। कितना इंतजार है एटली की इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारी चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियो। आप मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, मैं आपकी ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ। टूर खत्म हो गया तो असली रंग दिखा रहे हो? रंग की बात नहीं है मैम, बात यह है कि आप लोग समझते नहीं हो कि दूसरा आदमी भी इंसान है। अच्छा, और मैं इंसान नहीं हूँ?